नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स के चेयरमैन दीपक बजाज जी, आइए जानते हैं कि कोविड काल में शैक्षणिक सत्र जो था उसमें किस तरह की परेशानियां आई और किस तरह से संस्थान ने उन समस्याओं का समाधान निकाला। धन्यवाद सुरेंद्र जी। कोविड अपने आप में एक वैश्विक महामारी थी जिसने कहीं ना कहीं पूरी मानवता को परेशान किया है। स्कूल भी इससे अछूते नहीं, लेकिन जहाँ तक स्कूल्स की बात है तो सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस का हमेशा से प्रयास रहा कि बच्चों की कम से कम शिक्षा बाधित ना हो। तो हम लोगों ने 2 अप्रैल से ही ऑनलाइन क्लासेज नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों की प्रारंभ की, और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि पढ़ाई यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो चूंकि ऑनलाइन रेगुलर चली, कोई बच्चों की छुट्टियाँ नहीं हुई, तो पढ़ाई वाला काम कहीं ना कहीं अच्छे से हो पाया। लेकिन फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन शिक्षा कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकती। ऑफलाइन शिक्षा में बच्चा जब सुबह उठ करके ये सोचता है कि स्कूल जाना है, तब से उसकी लर्निंग प्रारंभ होती है। वो वहाँ से तैयार होता है, तैयार होकर घर से बस में बैठता है, कैंपस में आता है, वो क्लासरूम में सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, अपने शिक्षकों से सीखता है। और जब हम बात करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास की, तो उसमें एकेडमिक के अलावा एक्टिविटी और संस्कारों के राइट सामंजस्य से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि कैंपस में ही संभव है। आने वाले समय में नया जो शैक्षणिक सत्र है उसमें कोविड काल से आपने कुछ ऐसी बातें जो है जो चेंज करने चाहेंगे आप, या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निजात निकालने के लिए आपने कोई नया विकल्प खोजा है? जहां तक नए विकल्प की बात है सुरेंद्र जी, कोविड ने हमें ये सिखाया है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है, और कोविड ने ये भी दिखाया कि ऑनलाइन के थ्रू हम लोग पूरे विश्व से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट और बहुत सी चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं कि हम पूरे विश्व के जो विशिष्ट लोग हैं, हम पूरे साल जो है कम से कम ये ऑनलाइन के द्वारा हाँ बच्चों को उनसे विभिन्न टॉपिक्स पे बात करवाते रहेंगे जिससे बच्चों को लाभ हो। उसके अलावा तमाम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि चूंकि बच्चों ने पूरे साल एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को मिस किया है, तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि अब जो ये कमिंग साल है इसमें बच्चे एक्टिविटीज जो भी बच्चों की थी वो और अच्छे से हो जाए, जिससे उनका शारीरिक विकास भी हो सके और सर्वांगीण विकास भी हो सके। अच्छा, कोविड के समय में फीस को लेके बहुत सारी दुविधाएं रही स्कूल मैनेजमेंट के लिए, किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? देखिए, ये एक कंसर्न रहा ही, और क्योंकि कोविड में सभी लोग परेशान थे तो कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक भी उससे बाहर नहीं थे। हमने हमेशा अपने पेरेंट्स से यही अपील किया कि जो पेरेंट्स सक्षम हैं और जो दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो ऐसी बिजनेस में हैं जिससे उनको उनकी इनकम हैम्पर नहीं हो रही है, वो दे सकते हैं, तो हमने हमेशा प्रयास किया कि वो कम से कम फीस दें जिससे हम लोग जो है कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकें। लेकिन ठीक है, हम लोग की अपील पे पेरेंट्स ने ध्यान भी दिया और जितनी फीस आ पाई हम लोगों ने प्रयास किया कि उससे काम किया। और अब जाकर के बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर फीस देने लगे हैं। जो पेरेंट्स आज भी फीस देने में सक्षम नहीं है, हम उनकी एप्लीकेशंस ले रहे हैं, अपने कॉरपोरेट ऑफिस को भेज रहे हैं और उस पर हमारी दिल्ली ऑफिस विचार कर रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट विनोद शंकर उपाध्याय। आइए जानते हैं कोरोना काल 2020 शिक्षा जगत के लिए कैसा रहा और वैक्सीन आने के बाद 2021 में क्या उम्मीद नजर आ रही है। देश में कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ने से मार्च 2020 से देश में लॉकडाउन हुआ। 23 मार्च से, जहाँ तक मुझे याद है, 23 मार्च से हमारे यहाँ कचहरियाँ बंद हो गई और लॉकडाउन शुरू हो गया और विद्यालयों में जो है पठन पाठन कार्य अवरुद्ध हो गया। तो मजबूर होकर के हमने शासनादेशों के तहत उसका अनुपालन करते हुए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराना प्रारंभ किया, और वो पूरे 2020 में हमने ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को प्रदान की है। इधर 2021 से जब शुरू हुआ तो मार्च 2021 से
शासनादेशों का जो है उनके अनुपालन में विद्यालय में कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे अल्टरनेट डे में आ रहे हैं और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे वो विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं, उनको शिक्षा दी जा रही है। बकिया जो छात्र छात्राएँ हैं उनको हम ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। और इधर सुना है कि फिर से कोरोना का दूसरा काल शुरू हो रहा है, तो इसलिए विद्यालय और विद्यालय का स्टाफ और हम लोग काफ़ी सजग है और ताकि कोरोना संक्रमितों की संख्या न बढ़े। हमारे साथ है मानव रोग निदान केंद्र के डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आइए जानते हैं कि कोरोना काल 2020 चिकित्सा जगत के लिए कैसा रहा और वैक्सीन आने के बाद 2021 में क्या उम्मीद नजर आ रही है। मानव के लिए कोरोना एक अभिशाप बन के आया 2020 में और 2019 के लास्ट से जो चाइना से शुरू हुआ 2020 में काफी फैल गया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आज जो कोरोना का वायरस आया है उससे चिकित्सा जगत में काफ़ी उम्मीद की किरण दिख रही है। जिस तरह से टीकाकरण का अभियान चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2021 के कुछ ही महीनों में हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। शॉर्ट टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर